हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्निकल के यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा लेटेस्ट P90 की स्किन क्या अच्छी है, क्या बुरी है, अच्छी है या नहीं है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा। और उसी के साथ साथ गाइस, मैं आपको गिव अवे के बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस, काफी ज्यादा स्पिन्स लग गया एक्चुअली मेरे निकालने में इसको, क्योंकि मेरे पास डायमंड नहीं थे। 12 वाउचर्स में कोशिश कर रहा था निकालने की तो नहीं निकली, और काफी ज्यादा डायमंड्स का टॉपअप करना पड़ गया। ठीक है, तो गाइस आप सभी के सामने ये वाली देख लो गाइस, यहाँ पर ये देखो मैं खोल रहा हूँ बॉक्सेस को, गन्स को, और देखते हैं कितने स्पिन्स में मिलती है। ठीक है, तो उससे पहले यार मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देता हूँ गाइस। कल है 26 तारीख जो है, कल है ना 26 तारीख है। ठीक है, तो इस 26 तारीख को क्या है मैं बता देता हूँ गाइस। मैं कर रहा हूँ गिव अवे काफी बड़ा, अप्रोक्स मैं सच बताऊँ ना 20,000 डायमंड तक का गिव अवे होगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। 20,000 डायमंड तक का गिव अवे होगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो मैं YouTube पे लाइव स्ट्रीम करूंगा गाइस 2 बजे से लेकर 3, 3:30 बजे तक, और उसके बाद मैं नोनो लाइव के ऊपर लाइव स्ट्रीम करूंगा बाकी रिमेनिंग 2 घंटा। ठीक है ना, 1-1.5 घंटा मैं YouTube पे करूंगा और 2 घंटा नोनो लाइव पे लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो इस दौरान आपको क्या करना है, मैं आपको रूल्स और सब बता दूंगा लाइव स्ट्रीम पे। तो यार सबसे पहली चीज का ध्यान रखना कि यार 2 बजे आप सभी लोग कल मेरी लाइव स्ट्रीम पे जरूर आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो यार ज्यादा से ज्यादा लोग मजे ले सके। ठीक है ना, क्योंकि यार कम लोग आएंगे तो यार मेरे को भी मजा नहीं आएगा, यार बड़े सारे लोग आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, सिंपल बात। ठीक है ना, तो यहाँ मैं स्पिन्स कर रहा हूँ, आप स्पिन देखे कितने स्पिन में निकलते हैं। तो आपको नोनो लाइव पे कैसे मेरे को फॉलो करना है, यार आपकी साइड में वीडियोस चल रही है आपको मैं दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे सर्च करना है नोनो लाइव, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पे आप क्लिक करिए कि ये लिंक पे क्लिक करा एक ऐप आ जाएगा नोनो लाइव करके, उस ऐप को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हो गया डाउनलोड, सिंपल खुल जाएगा वो ऐप, उसमें टेक्निकल के सर्च कर लेना, या फिर वहां लिखा ही आ जाएगा टेक्निकल के का, तो आप उस पर सर्च क्लिक करके मेरे को फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये बंदा लाइव कर रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे यार डेली लाइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन का बहुत ज्यादा ग्लीचेज होते हैं, कई वीडियो के मेरे नोटिफिकेशन जाते हैं और कई वीडियो के नहीं जाते। अब ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी भी नोटिफिकेशन जाए जा ना जाए कुछ नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता। ठीक है ना, बट मैं फिर भी वीडियो रेगुलर बेसिस पे बनाता रहता हूँ कि भाई जितने सब्सक्राइबर को पता है 4 बजे के आसपास डेली वीडियो आती है, तो एटलीस्ट वो लोग तो फायदा ले सके वीडियो का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वीडियो बन रही है इसी कारण। ठीक है, तो आप नोनो लाइव पे फॉलो कर लो। तो गाइस अब मैं P90 की थोड़ी स्किन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। गाइस P90 का आप देख सकते हैं डबल रेट ऑफ फायर प्लस डैमेज माइनस रीलोड स्पीड है, तो रेट ऑफ फायर 2 गुना होने से क्या होगा गाइस, P90 का आप सभी को पता है रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा है। ठीक है ना, एक ऐसी सीक्रेट चीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है, इस चीज के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, तो इतने डबल रेट ऑफ फायर से क्या होगा, जो गोली है वो 2 गुना स्पीड में निकलेगी, डैमेज से डैमेज भी बढ़ जाएगा, और उसी के साथ साथ आप रिलोड स्पीड कम में तो कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50 गोली तो वैसे ही इसमें आती है, मैगजीन लगा ली 3 को तो 80 गोली आएंगी गाइस, 80 गोली एक साथ फायर करोगे तो बंदे का भरता बन जाएगा। ठीक है, हो गया। तो गाइस डबल रेट ऑफ फायर से क्या होगा, आपने एक्समेट की डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन जितने भी लोगों ने यूज करी होगी वो जानते हैं कितने गंदे हेडशॉट चिपकाती है XM8 कितने गंदे हेडशॉट चिपकाती है, आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में। ठीक है ना, एक्समेट तो रुला देती है सामने वाली टीम को उसमें डबल रेट ऑफ फायर, और क्योंकि उसमें पहले से रेट ऑफ फायर और थोड़ा अच्छा था, और डबल रेट ऑफ फायर करने के बाद अपडेट के बाद से और स्किन में, तो उसका हेडशॉट अगर लग जाए ना वो छोड़ती नहीं, हेडशॉट चिपक जाता है ऐसे करके वो गन है। ठीक है, तो गाइस अब इसके अंदर भी ये डबल रेट ऑफ फायर आ गया, पहले इसका रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा था और अब और रेट ऑफ फायर आने के बाद ये बंदे का भरता बना देगी अगर आप हेडशॉट मारते हैं ना। आपको एक चीज के बारे में बता देता हूँ, लिटिल ड्रैग करना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है और आपका हेडशॉट चिपका देगा। तो यहाँ पर मेरे को निकल चुकी है स्किन गाइस, मैं स्किन को दिखा देता हूँ आपको जाके, और इसके बाद मैं आपको इसका ट्रायल ट्रेलर दिखा देता हूँ, यूज करके दिखा देता हूँ कि कैसी स्किन है, अच्छी स्किन है जहां नहीं अच्छी स्किन है। तो यहाँ पर मेरे को मिल चुकी है गाइस ये स्किन, वेपन्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, और गाइस कलेक्शन की वीडियो भी मैं डालूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई अपने कलेक्शन के ऊपर ही रिएक्शन करो। ठीक है ना, करेंगे यार, करेंगे रे पब्लिक मचाएंगे ना। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, काफी सारी गन्स है, आधे लोगों ने तो यहीं पर देख ली होंगी काफी सारी गन्स है यहाँ पर अपन के पास। तो यहाँ देखो गाइस P90 की भी 3-4 स्किन है ऑलरेडी, और ये वाली स्किन मिल चुकी है हमको परमानेंट, द पनिशर करके स्किन का नाम है, काफी अच्छी स्किन है। ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ गाइस, मैं 2 P90 भी ले सकता हूँ, 1 MP40 भी ले सकता हूँ, बट मैं 1 MP40 रखूंगा। तो क्या इसको हम MP40 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम MP40 की जगह इसको यूज कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आप MP40 की जगह यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा MP40 यूजर से, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप MP40 यूजर से डिस्टेंस नहीं बना के रखते ना,
उसके क्लोज चले जाते हैं, इतनी मान लीजिए इतनी रेंज में लड़ेंगे तो MP40 भर देगी उसको, क्योंकि डैमेज और रेट ऑफ फायर MP40 का बहुत ज्यादा होता है यार। बट अगर इस डिस्टेंस को आप इतना कर देंगे तो आप देख रहे हो ना P90 उसको फाड़ के रख देगी, वो 6-7-7 का डैमेज करेगी, P90 18-18-19-19 का डैमेज कर देगी, डबल रेट ऑफ फायर वाली फाड़ देगी। तो अगर आप P90 को MP40 से रिप्लेस करना चाहते हैं तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी भी P90 के MP40 की स्किन से रिप्लेस कर सकते हैं, बट यू मस्ट मेंटेन द रेंज और डिफरेंस, थोड़ा सा रेंज को बना के रखना पड़ेगा, अगर आप क्लोज चले गए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदे लैंड करें, गाइस मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ, ये बंदा आया, डैमेज देख रहे हो गाइस, थोड़ा अच्छा डैमेज हुआ पीछे पीछे, तो गाइस वो बंदा इतनी गोली मार रहा है मेरे को, मैं मिस करवा रहा हूँ, और उसके बाद जब उसकी रीलोड पे आएगी तब मैं इतनी देर में मार दूंगा। तो गाइस ये बंदा भाग रहा है, ऊपर जाएगा, जब करा मैंने स्कोप खोला और थोड़ा सा ड्रैग करा, वो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा था तो हेड पे ही चिपक गया, ठीक है ना। तो यहाँ एक और बंदा आ गया, तो गाइस इस पे भी करते हैं ड्रैग, ये देखो ड्रैग लगा, इसको भी हेडशॉट, ये देख लो गाइस तीन हेडशॉट चिपक गए गाइस, एक और हेडशॉट मैंने मार दिया आप सबके सामने, गाइस तीन हेडशॉट चिपका दिया गाइस मैंने, एक और बंदा आया वो भी मारा गया। तो गाइस आप सबके सामने है कितना सारे बंदों को मैंने मारा लगातार, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक दो बार मर भी जाता हूँ यार, तो उसके बाद मरने के बाद दोबारा आया यहाँ पर आपके सामने, हेडशॉट चिपकाया, पैरों में गोली चिपक गई, ये ड्रैग नहीं हुई बट काफी ज्यादा डैमेज करा हुआ। यहाँ पर बंदा है नीचे गिर गया, बॉडी पे चिपक गया। एक्चुअली ये बात है P90 की, अगर आप स्कोप करके मारोगे रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा आप उसको ड्रैग नहीं कर पाओगे, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, आपको फायरिंग रोकनी पड़ेगी, आपको पहले ड्रैग करना पड़ेगा फिर फायर करोगे तो ये गन अच्छी चलेगी, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन हो जाएगी आप सभी लोगों की, ये ड्रैग क्यों नहीं हो रहा, रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा होने के कारण ये ड्रैग नहीं होगा। इसको ऐड पड़ गया 132 का, थोड़े से शार्प मूवमेंट्स दिखाते हुए कि बंदे से बचने के लिए कि मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज ना कर सके हो, ठीक है ना, क्योंकि एक जा दो गोली, एक गोली मारी P90 एक गोली में बंदा खत्म। तो आप सभी के सामने गेम प्ले गाइस, थोड़ा सा मैंने अपना गेम प्ले शेयर करा आप सभी लोगों को, अब मेरे को नहीं पता यार आपको गेम प्ले अच्छा लगे या ना लगे, बट मैंने जो बताया आपको P90 के बारे में बिल्कुल प्योर बताऊंगा, क्योंकि यार एक्सपीरियंस है इस गेम प्ले का, ठीक है ना, 2 साल से गेम खेल रहे हो एक्सपीरियंस, और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है हमारी, अपकमिंग डेज में थोड़ी सी क्लिप्स भी आपको दिखाने वाला हूँ क्यों है हमारी इंडिया की बेस्ट टीम उसके बारे में, ठीक है ना। तो अपकमिंग डेज में और वीडियोस आएंगे, उसके लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम अस्सलाम, तो मूरा नो नो लाइफ भाई फॉलो कर लो फटैक से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।